के बच्चे को मम्मी पापा शो ऑफ कर रहे हैं। बेबी अंकल को पोएम सुनाओ, बेबी कजरारे पे डांस करके दिखाओ, बेबी अंधे कुएं में जाके डूब जाओ। हमेशा हंसने खेलने वाली आयशा को क्या हो गया है? हाँ? मैंने तुम्हारी ये सेट कभी नहीं देखा। अब तक तुमने देखा ही क्या है अर्जुन? किसी ड्राइवर को बोल दो ना मुझे घर छोड़ दे। मैं छोड़ देता हूँ। No, no, it's okay. I'll drop you. It's Delhi Aarti. Okay? Thank you. Bye. अरे, ये लोग कहाँ गए? दिल्ली में कोई कर्फ्यू है क्या कि वो अकेले नहीं जा सकती? विक्की क्यों नहीं आई? I don't know, मासी. प्रिंस पहले कभी बताया नहीं, पता है मेरी वजह। मुझे वो पिंक नेल पॉलिश लगवानी है। क्या बात करने आए हो और क्या? क्यों, आरती की सीडी बेचने से तुम्हें टाइम मिल गया? वही तो कहने आया हूँ, तुम भी खरीद लो। Why not? I believe in charity. मैं चैरिटी के लिए 200 रुपए दान दे सकती हूँ। This is smart, आयशा। सुना कि ध्रुव मुंबई जा रहा है, अब क्या करोगी? क्या मतलब? स्क्वॉश किसके साथ खेलोगी? तुम कुछ बोलने आए थे ना? हाँ, बात करनी है तुमसे। क्या? रणधीर की एंगेजमेंट हो गई है। रियली? किस बेचारी के साथ? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे पास और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। शिफाली, ध्रुव, कितने लोग हैं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं किस में इंटरेस्ट लूं पिंकी? इसमें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे सच छुपाया है कि वो ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जिसका वो हर वक्त इंसल्ट करती रहती है उसमें। No, you just stay. Oh, fine, let's go to the toilet. देखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ही सही हो? अपनी दोस्त के लिए खुश होने की जगह तुम जजमेंटल हो रही हो। मैं जजमेंटल हो रही हूँ? पर यही तो चाहती थी ना तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि हरियाणवी बहन जी की जगह GK2 की सर्कस टेंट उससे शादी कर रही है। Pinky, what nonsense are you talking? Little Miss Perfect, आयशा, जो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अपनी अगली दोस्तों के साथ घूमती फिरती है। मेरी बातें लगती है ना? एटलीस्ट मैं अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की लाइफ कंट्रोल नहीं करती हूं। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। हेलो,
इंसल्ट तो मेरी हुई थी, तुम क्यों रो रही है? अरे तू करती थी, अब वो कर रही है। कहाँ रणधीर की शादी हो रही है ना, उसकी कुछ यादें, उसका कुछ सामान मेरे पास है आयशा, पर मुझे उसे भूलना ही है, सब कुछ खत्म करना है। ओके, रणधीर और तुम्हारी कौन सी यादें? नहीं प्लीज, तुम मेरे पास ही रहना हाँ, कैसे भी। ये क्या है? छतरी पोलो ग्राउंड में उसके ड्रिंक में था। बड़ा मुश्किल है आयशा ये सब भूलना। पता है ये रिवर राफ्टिंग कैंप का है, कोने पे बैठ के कुछ कुछ कर रहा था तो मैंने बड़ा संभाल के रख लिया। देखो कितना सुंदर है ना, देखो। और ये सीडी, ऋषिकेश जा रहे थे ना तब, तब मैंने उसकी गाड़ी में से ले लिया था। शिफाली काम डाउन, कल ध्रुव मुंबई जा रहा है और हम भी जाएंगे। मुझे मुंबई जाने का प्लान कुछ बताया ही नहीं मुझे। सौरभ, हाय शिफाली। पापा। हाँ बेटा। अच्छा ये सौरभ है, हमारे अकाउंटेंट का बेटा। हाय पापा, शिफाली और मैं मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? मुझे आलिया के साथ रहना है लेबर के टाइम। लेबर? आलिया? पापा अभी नहीं। अच्छा लड़का है ना? काफी। और काफी हैंडसम भी। काफी। कोई भी लड़की ना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। कोई भी। आओ, बहुत जल्दी जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। बाश आज दोपहर से पहले उठे। अर्जुन तुम यहाँ क्यों? दिल्ली में हमारे घर बोर हो गए। आशा पहले हेलो तो बोलो, फिर पूछो हाउ आर यू डूइंग, मैं बोलूंगा आई एम फाइन। ऐसे शुरू करते हैं। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन। सो अर्जुन, दिल्ली में हमारे बिना बोर हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी चाचा बनने वाला हूँ। आई वुडंट मिस दिस फॉर द वर्ल्ड। एक्सक्यूज मी गाइस। शिफाली बॉम्बे कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है और आपकी फ्लैट तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हाँ आलिया दी, ध्रुव हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन। यू नो हम ध्रुव के साथ आज लंच के लिए जा रहे ताज में और उसके बाद डिनर एंड ड्रिंक्स एट टेस्टमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग।
शिफाली लेट्स गो, पर ब्रेकफास्ट तो खत्म करने दो। Yes. Are you okay? मुझे टॉयलेट जाना है। Show any interest in me. It's okay. Life moves on. I hope you find what you're looking for. I'm sorry. शिफाली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिफाली, ध्रुव बिल्कुल बास्टर्ड है। क्या? पहले ना उसने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो सीधा उस आरती के पास चला गया। हम इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। नहीं शिफाली, I'm so sorry। पहले रणधीर और अब ध्रुव। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है। मुझे कैसे लगा कि तुम और ध्रुव खुश रहोगे? हैं? मैं और ध्रुव? मुझे तो लगा कि तुम और ध्रुव खुश रहोगे। हाँ? आयशा, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? उससे जो सबसे अच्छा है, जिसके साथ मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम डांस किया, जो मेरा ध्यान रखता है और जिसकी यहाँ ना टिम्पल पड़ता है मेरी तरह। उसने तो मुझे डूबने से भी बचाया था। मेरा हीरो अर्जुन। पर शिफाली, तुम और अर्जुन बहुत डिफरेंट हो। वो तो तुम्हारी टाइप का ही नहीं है। तुम दोनों इतने अलग हैं। तुम उसकी टाइप की नहीं हो शिफाली। मुझे ब्रश करना है। अलग मतलब? आयशा, अलग मतलब? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहनती इसीलिए। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी नहीं बोलती। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है ना। मैं मिडिल क्लास हूं, गवार हूं, है ना।
तुम क्या कह रही हो? तुम गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ रही हूँ आयशा। तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त समझा ही नहीं। What are you talking about, शिफाली? मैं तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट हूँ। बेचारी के बाल कटवा दो, बेचारी को कपड़े दे दो, उसे मुंबई घुमा लाओ। शिफाली, रणधीर अच्छा है। नहीं नहीं शिफाली, रणधीर अच्छा नहीं है। शिफाली, ध्रुव अच्छा है। नहीं शिफाली, ध्रुव अच्छा नहीं है। बस आयशा बस। तुमने मुझे कभी भी अपना बराबर समझा ही नहीं, है ना आयशा? और एक बात, अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूछ लो अर्जुन से। सुसु भी नहीं किया है, क्यों लड़का रखा है? मैं? Please. Yes. Oh. So cute. Welcome to the Pagalkhana. शिफाली को दिल्ली? मैंने नहीं भेजा। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। एक नया टाइम पास मिला था तुम्हें, शॉपिंग, डैडी के पैसे खर्चने के अलावा एक नया खेल। तुम शिफाली के साइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि आरती किसी और के साथ चली गई इसलिए? तुम अपनी ही दुनिया में रहती हो ना। शिफाली मेरी दोस्त है, शी इज माय फ्रेंड। दोस्त बनकर इस्तेमाल करती हो तुम, अंडरस्टैंड? दैट्स नॉट वेरी नाइस। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर। हाउ? उसे अपनी तरह शैलो बना के। शैलो? तुम्हें लगता है कि मैं शैलो हूं? तुम में इतना पोटेंशियल आयशा, अपनी जिंदगी के साथ क्या क्या नहीं कर सकती तुम। लेकिन हर रोज एक नई शौक पाल लेती हो तुम। कभी सोशल सर्विस, कभी एनिमल राइट्स, कुछ सीरियसली लिया कभी जिंदगी में तुमने? तुम्हारी लाइफ बहुत डीप है ना। जैसे शिफाली मेरी प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हारी। तुमने मेरे बारे में कभी अच्छा सोचा है? यू नो व्हाट, आई डोंट नो एनीमोर। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझता हूँ, और अब ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। नहीं अर्जुन, तुम सिर्फ शिफाली को समझते हो। Thank you.